गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो पढ़ा था। इसमें हमने ये जाना था कि आज हमारा कोई भी ऐसा अप्लायंसेस नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन ना, बहुत सारे हमारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेलीविजन हो गया, आपके मोबाइल फोन्स हो गए, ओके, और इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, देयर आर वेरियस थिंग्स दैट जिसको कि हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं। हमें इस चैप्टर में पिछले बार हमने इसके साथ साथ ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, ओके, और इलेक्ट्रिक सेल जो बेसिकली जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, और उसमें मैंने बोला था कि जब बहुत सारे सेल यानी कि दो या दो से ज़्यादा सेल मिल के क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। उसी में हमें आज का टॉपिक पढ़ना है अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब और ए टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस मेड ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटालिक बेस। आप में सभी ने इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे, स्पेशली जो वो येल्लो कलर के आते हैं, जो मतलब कि ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रहता है, पर उसकी लाइट थोड़ी येलोइश रहती है ना। यहाँ पे वाले इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर टॉर्च बल्ब की बात हो रही है जिसका आउटर केस ग्लास से बना हुआ होता है और नीचे की साइड एक मेटेलिक बेस बना हुआ होता है। अब उसी बल्ब के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक थीन देयर इज अ थीन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो उसके अंदर एक जो पतला सा वायर आपने देखा होगा वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, जिसको कि फिलामेंट कहा जाता है उस बल्ब का, जो कि हमें लाइट प्रोवाइड करता है। ये कहाँ से बना हुआ होता है? ये बना हुआ रहता है बेटा टंगस्टन मेटल से, एक टाइप का मेटल है टंगस्टन, उस मेटल से बना हुआ रहता है एंड इज फिक्स्ड टू टू थिक वायर्स दैट गिव सपोर्ट टू इट, ओके। इसके साथ साथ ये कनेक्टेड रहता है, टंगस्टन मेटल दो थिक वायर से कनेक्टेड रहता है। मैं थोड़ी देर बाद आपको इमेज दिखाऊंगा, ओके। तो वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब, द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। अब ये जो दो वायर्स होते हैं, एक तो बल्ब के पूरे निचले वाले हिस्से जहाँ पे मेटल्स मेटेलिक है वहाँ से कनेक्टेड रहता है, और एक उसके आउटर पोर्शन में एक थिक वायर रहता है, मेटल स्ट्रिप के बाहर एक कोना निकला हुआ होता है, उससे कनेक्टेड रहता है। अब आप सभी ने यहाँ पे बल्ब देखे होंगे तो आपने एक अंदर दो ऐसे वायर देखे होंगे, ओके। यहाँ पे जैसे ये मान लो, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ, इसमें साफ प्रिंट नहीं है, ओके, कुछ इस टाइप से रहते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके ये तो ये वाला पोर्शन है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये थिक वायर है, इसका एक हिस्सा मेटल के इस बेस तक कनेक्टेड रहता है और एक हिस्सा यहाँ पे साइड में एक टिप लगी रहती है ऐसे करके, जो कि आपके होल्डर में जाके कनेक्ट हो जाती है ना। आप सभी ने वो देखा होगा कि होल्डर्स दोनों ही साइड में ऐसे बाहर से के तौर पे यूं निकला हुआ रहता है और ये जाके आपके होल्डर पे जाके अटैच हो जाता है, ओके। तो इसका एक वायर इस वाले हिस्से पे कनेक्ट रहता है और एक जो वायर है ये नीचे वाले हिस्से तक कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहां पर जो आपको ये बल्ब दिखाया जा रहा है, ये बेसिकली टॉर्च का बल्ब है, ओके, जो मैं जैसे बात कर रहा हूँ, जो हमने डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। आजकल खैर वैसे बल्ब ज़्यादा यूज़ में होते नहीं, क्योंकि आजकल हम CFL या LED बल्ब ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर एक समय था जब ये बहुत सारे ऐसे बल्ब काफ़ी यूज़ हुआ करते थे। अब हमें ये देखना है कि क्या एक बल्ब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है, कि जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये जो फिलामेंट है ना, जो बीच वाला जो वाला पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाता है, कि इलेक्ट्रिक करंट पहुंचने की वजह से गर्म होना स्टार्ट होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उस गर्माहट की वजह से, उस हीट की वजह से उसमें फिर लाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होती है, जिससे कि हमारा जो भी रूम होता है वो जगमगा जाता है, यानी रोशनी आना स्टार्ट हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से आप ग्लो कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आपको क्या चाहिए? टू प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर, है ना, दो आपको कॉपर वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओके। याद ध्यान रखिए, प्लास्टिक कोटेड होना चाहिए, यानी कि कोटिंग हुई भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल की जरूरत पड़ेगी, एक बल्ब, एक इंसुलेटेड प्लास्टिक कोटेड टेप, है ना, एक टेप होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, वाला टेप होना चाहिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, ओके, मैं डायरेक्ट आपको इमेज के थ्रू समझा देता हूँ, इस तरह हम पढ़ेंगे नहीं इसको। तो एक जो मैंने बताया था, इस तरह भी एक टिप निकली हुई रहती है, एक उसका एंड वायर का इस पर टाई करेंगे, एक उसके नीचे वाले बेस पर यहाँ पे टेप वेप लगा देंगे, जिससे कि वायर बार बार खुलेंगी। अब इसका एक हिस्सा हम
बैटरी के सॉरी सेल के नेगेटिव सेल में अटैच करेंगे और एक हिस्सा हम पॉजिटिव सेल्स में। ध्यान रखिएगा हमेशा जो करंट जो फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। जैसे ये भी कनेक्शन कर देंगे तो बल्ब जो है सेल की हेल्प से जलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हमें 2 से 3 अलग अलग मेथड्स चेक करनी है जिससे कि हम ये देखेंगे कि अगर हम कनेक्शन अगर गलत करते हैं या फिर हम कनेक्शन थोड़ा बदल देते हैं तो क्या बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा। ओके, उसी के लिए वापस हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, वही सारी चीज़ें चाहिए रहेगी। ओके, अब पहला केस हम क्या करेंगे बच्चों, जैसा हमने पहले वाले केस में पहली बार हमने करा था। ओके, एक अलग हिस्सा यहाँ वाले के केस में कनेक्ट कर दिया और एक वायर हमने यहाँ नीचे वाले से हमारे नेगेटिव पार्ट में कर दिया। ओके, तो हमारा बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो गया। ओके, अब मैं दूसरा केस बता रहा हूँ। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वायर को तोड़ देंगे तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट बस यहीं तक आके रुक जाएगा, इसके आगे फ्लो नहीं होगा, एज ए रिजल्ट आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, हम इस वाले टायर वायर को तो पूरा कनेक्ट करेंगे बट नेगेटिव वाला जो टर्मिनल वाला वायर है उसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे, काट देंगे तो यहाँ पर एक बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। ओके, अब हमारा फोर्थ केस क्या रहेगा, अब हमने अगर थोड़ी देर पहले अगर आपने देखा हुआ एक अरेंजमेंट तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ए से जो ग्रीन वायर है वो इस वाले पोर्शन पे कनेक्टेड है और आर से ये वाला पोर्शन डी पे कनेक्टेड है। अब हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। ओके, हमने ए से हमने इस वाले पोर्शन को नीचे वाले पॉजिटिव टर्मिनल वाले जो वायर है उसको हमने नीचे वाले पोर्शन से कनेक्ट किया और सी से हमने आर की तरफ कनेक्ट किया तो भी बल्ब ग्लो हुआ। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन देख लो। नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या करा, दोनों वायर हमने नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में भी बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि बेसिक सा रूल है दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल से कैसे करंट फ्लो होगा, होगा ही नहीं। अगर आप ये भी करते हैं कि मान लीजिए मैंने दोनों वायर आपके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करे तो भी आपका सर्किट कनेक्ट नहीं होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि पूरा एक क्लोज सर्कल नहीं बना, करंट नेगेटिव से पहुंचा ही नहीं। अगर जब तक ये पहुंचेगा नहीं तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी ग्लो नहीं होगी यानी आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस एक्टिविटी से ये समझ में आता है कि हमेशा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जो है या हमारा जो भी हमारा कनेक्शन है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप के ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक मतलब टूटे हुए वायर नहीं होना चाहिए, वहाँ सर्किट जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमेशा एक टर्मिनल पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होना चाहिए, एक टर्मिनल नेगेटिव एंड से कनेक्ट होना चाहिए। दोनों ही हम पॉजिटिव से भी कनेक्ट करेंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और अगर नेगेटिव पे दोनों वायर बांध रखें तो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ओके, अभी मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन सबसे पहले समझो, उससे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। ओके, द फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिस रूट से वो फ्लो मतलब जिस जब फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी उस पूरे इलेक्ट्रिसिटी जिस जैसे फ्लो होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब हम व्हेन वी कनेक्ट वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू अ बल्ब वी क्रिएट ए क्लोज्ड सर्किट। जब हम एक टर्मिनल ऑफ द सेल से दूसरे टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को कनेक्ट करते हैं थ्रू बल्ब यानी बीच में बल्ब से कनेक्टेड रहता है तो हम उस केस में हम कैसा सर्किट बनाते हैं, क्लोज्ड सर्किट। अ क्लोज पाथ एंड बल्ब ग्लोज, द पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरीके से फ्लो कर सके, दैट पाथ यानी दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट और वी कैन सिंपली कॉल इट एज सर्किट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ओके, ये जो आपको यहाँ पे सर्किट बना हुआ दिख रहा है, ओके, देखो पूरा कंप्लीट सर्किट है। ओके, तो यहाँ पे जो सर्किट आपको दिख रहा है वो है क्लोज सर्किट। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक टर्मिनल से हमारा बल्ब का एक वाला एंड कनेक्टेड है, फिर इस टर्मिनल से हमारा नेगेटिव, यानी कि पूरी तरीके से हमारा सर्किट जो है क्लोज है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा, तो इस फॉर्म को बोलेंगे हम क्लोज्ड सर्किट। ओके, अब मान लीजिए आप
यहाँ से कुछ ब्रेक कर देते हैं, ऐसा वायर तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे सर्किट हो जाएगा ओपन। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। या मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्विच बोर्ड लगा देता हूँ, है ना, स्विच बोर्ड आप सभी जानते हैं, है ना, स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं, है ना। अगर मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्विच बोर्ड बना दिया और यहाँ पे मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होगा पर यहीं तक आके रुक जाएगा, और एज अ रिजल्ट सिंस यहाँ से हम हमारे इलेक्ट्रिक करंट को कोई फ्लो नहीं मिल रहा है इसके आगे, तो यहाँ पे हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में हमारा किसी भी कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा, ओके। द सेल द बल्ब एंड द कनेक्टिंग वायर्स ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल, दिस मे हैपन इफ द बल्ब इज फ्यूज्ड। अब हमारा मान लीजिए कोई आपको जो इलेक्ट्रिक सर्किट के बहुत सारे वेरियस पार्ट्स होते हैं, सेल हो गया, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, अभी जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारे इसमें टर्म्स आपको सुनने में आएंगे। अभी आप सिंस आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो अभी आपके लिए सेल, बल्ब, ये सभी आपको बेसिक चीज़ें आपको अभी सुनने के लिए मिल रहे हैं, वायर वगैरह सुनने के लिए मिले इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे आपकी क्लास बड़ी होती जाएगी आपको इसमें नए टर्म्स और मिलते जाएंगे, पर कई बार ये देखा गया है कई बार एक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं होता है ना कि वो जलता नहीं है, ओके। कारण क्या होता है कि बहुत प्रॉपर कनेक्ट होने के बाद भी वो उसमें ग्लो नहीं करता है, वो मतलब वो रोशनी नहीं देता है, ऐसा कारण क्या होता है, हो सकता है वो बल्ब फ्यूज़ हो। और आपने भी अपने लाइफ में देखे हो कि आपने स्विच ऑन करते हो कई बार बल्ब ग्लो नहीं करता है, रीज़न क्या होता है कि बल्ब जो है फ्यूज़ हो चुका है, ओके। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन, ओके, एक इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत सारे कारणों की वजह से फ्यूज हो सकता है। वन रीजन फॉर द बल्ब टू गेट फ्यूज इज द ब्रेकेज इन इट्स फिलामेंट। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फिलामेंट पढ़ा था टंगस्टन मेटल, कई बार वो टूट जाता है, उस वजह से भी बल्ब फ्यूज हो जाता है। ए ब्रेकेज इन द फिलामेंट मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब सिंस फिलामेंट टूट जाता है तो हमारा सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है ना, एज अ रिजल्ट उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता एंड दैट इज वाई हमारा सर्किट ओपन हो जाता है और वो बल्ब ग्लो नहीं करता है। Therefore, a fuse bulb does not give light up as no current passes through its filament. That is why since circuit वो filament टूट जाता है तो उसमें से electric current pass नहीं होता है। अब electric current pass होगा तो वो filament heat होगा और उसमें से रोशनी आएगी। Since अब उसमें electric current pass नहीं होगा due to वो टूट चुका है, that is why bulb हमारा glow नहीं होता है। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हमारा बल्ब तभी ग्लो होता है जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो, और अगर मान लीजिए आपका सर्किट कहीं से ब्रेक है या आपने गलत तरीके से वायरिंग की है तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होता है। इन डेली लाइट कंप्लीटिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट इन दिस मैनर इज नॉट ईजी। फॉर दिस पर्पज वी यूज अ सिंपल ईजियर एंड कन्वीनियंट अरेंजमेंट कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक स्विच। अब डेली लाइफ में हमें इस चीज़ को मैनेज करने में काफ़ी टाइम काफ़ी वो लगता है, प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम ऐसे सर्किट में फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हमें, या फिर यह क्या करना, डायरेक्ट हमें सेल को या फिर जो सोर्स है वहाँ से हमें कनेक्शन को ख़त्म करना रहेगा। तो सिंस ये प्रॉब्लम हमारे हो सकती है, हमें बार बार ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथड यूज़ करनी पड़ सकती है, इस वजह से हमने एक सिंपल रीजर कन्वीनियंट अरेंजमेंट किया कि हम सर्किट के बीच में एक इलेक्ट्रिक स्विच लगा देते हैं। इसीलिए आपके घर में स्विच बोर्ड है ताकि आप कंट्रोल कर सके कि जब आपको रिक्वायर्ड हो तभी आप उस अप्लायंसेस को चलाएंगे, या जब आपको बल्ब की आपको लगता है कि ग्लो हो करना है उसको जलाना है तभी जला पाएंगे। मान लीजिए स्विच नहीं होते तो जब भी लाइट होती तो अपने आप वो ग्लो करते, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए हमने एक ईजर अरेंजमेंट ऑप्ट किया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। An electric switch is a simple device that is used to open or close an electric circuit. Electric switch एक simple device है जो कि circuit को बंद करने में, close करने में, open करने में help करती है। Switches come in various shapes and size. Switch आजकल आपको बहुत अलग अलग size में, अलग अलग design में आपको मिल जाएंगे। Sometimes switch is also referred to as key. कई बार switch को key के तौर पे भी refer किया जाता है। Circuit diagram में हम switch को कैसे दिखाते हैं? ये ऐसे दिखाते हैं, okay? ये आपको दिख रहे हैं, ये स्विच है, ओके। पहले वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो क्लोज स्विच है, यानी कि यहाँ पे आपका स्विच ऑन है एंड एज अ रिजल्ट आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, ओके, पॉजिटिव टू पूरा नेगेटिव टर्मिनल वो फ्लो होता जाएगा। अब यहाँ पर जो स्विच आपको दिख रही है या फिर क्विक की दिख रही है वो यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से करंट स्टार्ट और यहीं पे आके वो रुक गया, इसके आगे वो फ्लो नहीं हुआ और आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं हुआ। अब देखिए हम सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो होते हुए कैसे दिखाते हैं, बल्ब का सिम्बल ऐसा है, ओके, सेल का सिम्बल ऐसा है, ओके, प्लस
माइनस पॉइंट पावर पोर्शन ऐसा है, प्लस पोर्शन ऐसा है। ओके, ये सर्किट के कुछ सिंबल्स है जो आपको याद करने हैं। ओके, सेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल का जो लाइन होती है छोटी होती है। बल्ब को हम ऐसे करते हैं, सिंबल में दिखाते हैं। अगर बल्ब जल रहा होता है तो उसके सामने ऐसे से लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब कि बल्ब जल रहा है। सर्किट को हम स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं, अगर ये स्विच जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब स्विच ऑन है, करंट इससे पास हो जाएगा। स्विच अगर ऐसा है ओपन है तो ये ओपन है, मतलब कि स्विच यहाँ पे हमारा करंट सर्किट ओपन है और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, एज ए रिजल्ट यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ। When the key is closed, the electric circuit is complete and the current is allowed to flow through the circuit. जब भी ये की क्लोज होती है, यानी कि स्विच हमारा क्लोज होता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को अलाउड होता है कि वो सर्किट में फ्लो हो सके। The appliances like bulb or fan, which is the part of the circuit, works. अगर मान लीजिए जो भी अपने appliances लगा रखा है वो फिर काम करना स्टार्ट कर देता है और वो चलना स्टार्ट कर देता है। जब भी आप की को ओपन कर देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है और फिर वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।